नमस्ते। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक समस्या के बारे में जानेंगे जिसको एजोस्पर्मिया या नीलस्पर्म भी कहा जाता है। एक परिवार को बनाने में जितना सहयोग एक महिला का होता है उतना ही एक पुरुष का होता है। पुरुषों के बाँझपन का एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। ये 5% पुरुषों में पाई जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके स्पर्म्स जो होते हैं वो नील होते हैं। इसको एजोस्पर्मिया या नीलस्पर्म भी कहा जाता है। अगर आपके स्पर्म्स के नंबर कम है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। शुक्राणु के निर्माण में आने वाले इन बाधाओं के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आप टेस्टिकुलर फेलियर है, वास डिफरेंस में कोई इंजरी है, या उसका लाइगेशन हुआ है, या हर्निया का रिपेयर हुआ है, या आप मान लीजिए कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। आप एक दिमाग में एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे FSH नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो रक्त नलियों के द्वारा टेस्टिस तक जाता है और स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर इस हार्मोन में जरा भी बाधा आ गई, कम या ज़्यादा हो गया, तो आपके स्पर्म उससे प्रभावित हो जाते हैं। अगर किसी को वेरिकोसील है, इससे भी स्पर्म टेस्टिस में नहीं बन पाते या इसमें उसमें कमी आ जाती है। रोग जैसे TB, मम्स, गुप्त रोग टेस्टिस की सामान्य वर्किंग को इफेक्ट करते हैं और उसके कारण टेस्टिस सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा अत्यधिक स्मोकिंग, एल्कोहल, जर्दा लेने से भी ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। टेस्टिस का टेम्परेचर शारीरिक टेम्परेचर से कम होता है। अगर इसमें जरा भी गड़बड़ होती है तो आपकी स्पर्म बनने में प्रभावित हो सकते हैं। जो लोग फर्नेसेस या अंडरग्राउंड काम करते हैं या खदान में काम करते हैं, उनको इस तरह की शिकायत होने का खतरा रहता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस, अगर टेस्टिस अपनी सही जगह पे नहीं है तो ये भी ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया का कारण हो सकती है। और अगर टेस्टिस में कोई चोट लगी है या ट्रॉमा हुआ है, ये भी एक कारण हो सकता है एजोस्पर्मिया होने का। जिन व्यक्तियों में एजोस्पर्मिया होता है उनको अपना उपचार जल्दी ही करा लेना चाहिए। उपचार शुरू करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि उनको कौन सा टाइप का एजोस्पर्मिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म होते हैं पर वो बाहर तक नहीं आ पाते, वास डिफरेंस में कोई बाधा होती है जिसकी वजह से बाहर नहीं आ पाते। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में कोई जेनेटिक कारण हो सकता है, जैसे वाई क्रोमोसोम डिलीशन हो सकते हैं, या कोई रेडिएशन थेरेपी हुई है, या आपको कोई कीमोथेरेपी मिली है, जैसे साइक्लोफोसामाइड की ड्रग मिली है, या उसको कोई गाउट की प्रॉब्लम है, उसको वेरिकोसील है, उसको ये सब कारण होते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में क्या होता है कि स्पर्म टेस्टिस के अंदर बन ही नहीं रहे होते, और ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर हमें ये दोनों चीज़ें समझ लेनी चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है कि स्पर्म अंदर बन रहे हैं, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर स्पर्म अंदर नहीं बन रहे हैं। इस समस्या का कोई लक्षण नहीं होता और आमतौर पर पुरुषों को पता ही नहीं चलता कि उनको कोई समस्या है जब तक कि वो इसकी कोई जांच नहीं कराते। आइए अब जानते हैं एजोस्पर्मिया के लिए हम क्या टेस्ट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस मरीज को एजोस्पर्मिया है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपने एक सीमन सैंपल देंगे। 3 से 5 दिन का एब्सेंस ज़रूरी होता है इसके लिए। सीमन सैंपल को एग्जामिन किया जाता है, अगर उसमें स्पर्म नहीं पाए जाते तो उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद छुपे हुए शुक्राणु को भी ढूंढा जाता है। अगर हमारे पास 3 सैंपल ऐसे हो गए पेशेंट के कि उसमें स्पर्म नहीं मिल रहे, तो हम उसको बोलते हैं कि आपको एजोस्पर्मिया है। इसके बाद अगर पेशेंट को जब एजोस्पर्मिया डायग्नोज हो जाता है तो उसके मेडिकल रिकॉर्ड, पास हिस्ट्री पूछी जाती है, उसका एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें ये देखा जाता है कि टेस्टिस अपनी जगह पे है, उसका क्या साइज़ है, उसको कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है उसका। तो पेशेंट का ये चेक किया जाता है कि उसको कोई वेरिकोसील तो नहीं है। इसके बाद उसके हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं जिसमें FSH होता है, LH होता है, E2 किया जाता है और प्रोलैक्टिन किया जाता है। इसके बाद पेशेंट का एक अल्ट्रासाउंड या कलर डॉपलर किया जाता है जिससे पता चलेगा कि उसकी साइज़ क्या है टेस्टिस का, उसका ब्लड फ्लो कैसा है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। इसके बाद हम पेशेंट की टेस्टिकुलर बायोप्सी की जाती है जिसमें पता चलता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर उसके टेस्टिस में स्पर्म बन रहे होते तो हम उन शुक्राणु को यूज़ करके IVF या ICSI द्वारा उसको बच्चा प्राप्त हो सकता है। आइए अब जानते हैं एजोस्पर्मिया के क्या उपचार कर सकते हैं। अगर आपके वास डिफरेंस या उसको वेरिकोसील है तो माइक्रोसर्जरी द्वारा करके उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी शुक्राणुओं में कमी आ सकती है, तो उसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम आप पेशेंट को हार्मोन के इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे क्लोमिड दे सकते हैं, HCG के इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपके टेस्टिस में
शुक्राणु का उत्पादन हो रहा है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं और आपको बच्चा प्राप्त हो सकता है। इस प्रक्रिया को पीसा या टीसा भी कहा जाता है। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए कि आपको एजोस्पर्मिया आपको बच्चा नहीं हो सकता। आपकी टेस्टिस में अगर स्पर्म है तो आपको इसी द्वारा बच्चा प्राप्त हो सकता है। तो निराशा की कोई वजह नहीं है, आप अपना इलाज करा सकते हैं और आप ठीक भी हो सकते हैं। थैंक यू।